हेलो गाइस, हम आ चुके हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले स्टैंडर्ड 8 का 11th लेसन ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम के टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस जैसे कि आप देख सकते, क्वेश्चन नंबर 1 होके जा चुका है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। और वो देखिए, इसका फोटो में हम लोग ने आंसर दे दिया है। अगर आपके फोटो क्लियर नहीं दिख रहे होंगे तो आप अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट होते हैं, वहाँ पर जाके आप अपने पसंददायक वीडियो क्वालिटी में वीडियो देख सकते हैं। तो आपको फोटो सब क्लियर दिखेंगे गाइस। और ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ इट एंड लेबल डायग्राम। तो ड्रॉ डायग्राम बनाना है और उसका लेबल भी करना है। तो देखिए, हमने वो करके दे दिया है यहाँ पे आपको। और ये देखिए, अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन विथ रीजंस। और एक क्वेश्चन आ गया है और उसका भी यहाँ पे आंसर दे दिया। और सभी आंसर इसमें गाइस राइट आंसर है, क्योंकि सब आंसर यहाँ पे डाइजेस्ट से दिए गए। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आंसर लंबे नहीं है। आप लर्न करोगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा ये सब, और आप इसे यूज़ कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, लिख सकते हो, या फिर कंप्लीटेशन जो भी आपका वर्क है वो कर सकते हो इससे। और अगर गाइस आपने अभी तक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक नहीं किया तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अलग अलग सब्जेक्ट के हर एक लेसन के वीडियो बना दिए है 8 स्टैंडर्ड के। अगर आपको जो वीडियो चाहिए वो वहाँ पर नहीं होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, या फिर कोई भी वीडियो के नीचे हम आपका कमेंट पढ़ते और जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। तो ये देखिए, एक क्वेश्चन वहाँ पे आंसर दे दिया उसका, और इसका थोड़ा आंसर बड़ा है लेकिन इजी है, लर्न कर सकते हैं उसको आप आराम से। और अभी आगे बढ़ेंगे बी क्वेश्चन की तरफ, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है ह्यूमन ब्लड का, सॉरी ब्लड है, तो ह्यूमन ब्लड का स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको बताना है यहाँ पे। ये देखिए, तीन पॉइंट है शायद इसके, 3 पॉइंट में यहाँ पे आंसर खत्म होता है। सी क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस एंड नीड ऑफ ब्लड डोनेशन। तो ब्लड डोनेशन का इम्पॉर्टेंस क्या है और नीड क्या है हम लोग के लिए, वो उसका आंसर यहाँ पे लिखने का था, तो लिख दिया था गाइस। अभी आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो है, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस। तो फर्स्ट है एल्टराइज एंड विंस। तो ये देखिए, यहाँ पे फोटो के साथ आंसर दे दिया है। और अगर एक और बार बोलता हूँ गाइस, अगर फोटो क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट होते हैं, वहाँ से आप जाके बढ़ा सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है और उसका क्वेश्चन है, विथ हेल्प पैरामीटर ऑफ ब्लड डोनेशन शुड बी चेक्ड। तो हेल्थ पैरामीटर ऑफ ब्लड डोनेटर भी क्या चेक करना चाहिए आपको। तो ये देखिए, यहाँ पे सब दे दिया है आंसर। और आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर RBCs ऑफ द ब्लड डोनेशन डैश एंड आयन कंपोनेंट। तो होमियोग्लोबिन इसका आंसर था, और ये शायद फिलिंग द ब्लैंक्स है। और आगे बढ़ेंगे, देखिए सेकेंड क्वेश्चन आ गया, डायफाग्राम आंसर है उसका, और इसमें सब आंसर राइट है गाइस, आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। सी क्वेश्चन, और उसका है इनवॉलेंट्री मसल्स। और आगे बढ़ेंगे हम लोग अभी डी क्वेश्चन, शायद हाँ डी क्वेश्चन भी है इसका। तो डी क्वेश्चन का आंसर है अल्कलाइन। तो गाइस देखिए, आपको हर एक आंसर यहाँ पे हमने दे दिया है, कोई भी आंसर यहाँ पे छोड़ा नहीं हम लोग ने। अगर फिर भी आपको जो आंसर चाहिए था वो नहीं मिला तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए ट्राई करेंगे वो आंसर देने के लिए। और ये देखिए, इसका आंसर है रेड बोन मैरो नैरो। और अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, फाइंड ऑड मैन आउट। तो ये देखिए, ऑड मैन आउट यहाँ पे दे दिया है, उसका रीज़न भी दे दिया कि वो ऑड मैन आउट क्यों है। और आगे बढ़ेंगे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो वो देखिए, उसका भी यहाँ पे आंसर दे दिया है, ऑड मैन आउट क्या है, इसका है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसका ऑड मैन आउट था। और सी क्वेश्चन है, उसका ऑड मैन आउट है कैलेफिलेरिस, और इसका ऑड मैन आउट यही है, और उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि वो क्यों है ऑड मैन आउट। और आगे बढ़ेंगे हम लोग डी क्वेश्चन की तरफ। तो उसका ऑड मैन आउट भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग ऐसा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ये देखिए, और ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, और उसका भी आंसर यहाँ पे दे दिए, छोटा आंसर इसका, शायद ज़्यादा आंसर लंबा नहीं है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है, और क्वेश्चन नंबर 11 का भी क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, और उसका भी यहाँ पे आंसर दे दिया है। आंसर थोड़ा लंबा है लेकिन इतना भी नहीं है, छोटा ही है, इजी टू लर्न है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो भी टॉपिक पे चाहिए होगा या फिर कोई भी लेसन पे, तो नीचे कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के या फिर कोई भी वीडियो के नीचे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।